देखिए, दुख की बात यह है कि पाकिस्तान ही नहीं, घर देश में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबान को गुड तालिबान कहते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गजनवी हो या जो औरंगज़ेब हो या जो तालिबान हो, उनकी वकालत करते हैं। राम मंदिर को भी बाबर ने तोड़ा, पर उसके अलावा बावजूद भी आज राम मंदिर फिर से बन रहा है। दोनों तालिबान एक विथ हथियार है, दूसरा तालिबान का जो करता पीआर है, ये दोनों ही गद्दार है और ये चाहते हैं कि संविधान हटाकर इनको शरिया से प्यार है। तालिबान के ज़रिए वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हो या भारत के अन्य हिस्से हों, वहाँ पर भी तालिबान मॉडल लागू किया जाए। ऐसा है, पाकिस्तान का जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो 3 A पर है, अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद। अमेरिका तो साथ रहा नहीं, अल्लाह भी उन्होंने भी छोड़ दिया है, और आतंकवाद, ये तीसरा ए जो है, यही जो है पाकिस्तान इसी के बलबूते पर अब टिका हुआ है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि 26/11 हो गया और हम देखते रहे, ये वो सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया, और वक्त आने पर जहाँ जहाँ स्ट्राइक करना होगा वहाँ वहाँ स्ट्राइक करेंगे। और मुनव्वर राणा का अगर दिल यहाँ नहीं लग रहा है तो काबुल कई सारी फ्लाइट जा रही है हमारे भारतीय लोगों को ले जाने में, उसमें से एक सीट ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। तालिबान की बंदूक का जोर अब अफगानिस्तान के आवाम के सामने फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दबता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कह दिया है कि साम्राज्य जो है, जिस तरीके से आतंकियों का साम्राज्य है, इसको पनपने नहीं देंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहजाद पुनेवाला जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया माया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त अफगानिस्तान में है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2-2 के संदेश है या चेतावनी कह लें कि आतंकियों का जो संगठन है, आतंकियों का जो साम्राज्य है और जो उसकी मदद कर रहे हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उन्होंने ये बात जो कही वो सोमनाथ के जब वो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने मोहम्मद गजनी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, और उसके बावजूद भी सोमनाथ मंदिर आज बन रहा है, बन गया है और कायम है, और वहाँ पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है वो पूरा हुआ है। राम मंदिर को भी बाबर ने तोड़ा, पर उसके अलावा बावजूद भी आज राम मंदिर फिर से बन रहा है। और आप अगर देखें, जहाँ जहाँ भी इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर तबाही की जा रही है या की गई है, वहाँ वहाँ जो है वो आतंक, कहीं ना कहीं वो आतंक का साम्राज्य ख़त्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये हमेशा याद रखना चाहिए, पर दुख की बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गजनवी हो या जो औरंगज़ेब हो या जो तालिबान हो, उनकी वकालत करते हैं, और मुझे लगता है उनको इससे संदेश लेना चाहिए, क्योंकि वो तालिबान के यार है और इस तरीके से पूरा कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान। हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब लोग भाग रहे हैं, बहुत से लोगों के अंदर खौफ है, कोई प्लेन से गिर रहा है नीचे, आर्मियों को बच्चे दिए जा रहे हैं, अपनी माँ आर्मी को बच्चे दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान गुड तालिबान की बात करता है कि नहीं, तालिबान की न्यू पॉलिसीज अच्छी है, भले वो महिलाओं को मार नहीं रहे लेकिन उन्हें बंधक ज़रूर बना रहे हैं, तो ये गुड तालिबान में कैसे आ जाता है? देखिए, दुख की बात यह है कि पाकिस्तान ही नहीं, घर देश में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबान को गुड तालिबान कहते हैं, जो कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह मुल्क को आज़ादी दिलाई है। तो दरअसल तालिबान हो या जो घर में बैठे देसी तालिबान हो, उन दोनों के ये वेरिएंट अलग अलग है, पर वायरस एक ही है, और ये दोनों तालिबान एक विथ हथियार है, दूसरा तालिबान का जो करता पीआर है, ये दोनों ही गद्दार है और ये चाहते हैं कि संविधान हटाकर इनको शरिया से प्यार है। तो इसीलिए ये दोनों का कॉमन आइडियोलॉजी है, दोनों के कॉमन मकसद है, एक वहाँ पर बंदूक लेकर शरिया लागू कर रहा है, एक वैचारिक माहौल बना रहा है। सर, तमाम देश की भी बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से तालिबान वहाँ पर सरकार बना रही है, तालिबानों का स्वागत है, स्वागत योग्य है। चाइना भी कहता है तालिबान का स्वागत है, क्या ये टीम वर्क दिखाई देते हैं? देखिए, ये तो हमें पता ही है कि तालिबान को पाकिस्तान ने पाला है, पोसा है, और आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान और चाइना ही हैं। पर दुख की बात यह है कि आज पूरी दुनिया में जब तालिबान का असली चेहरा सामने निकल कर आ रहा है, किस तरीके से वो महिलाओं पर उत्पीड़न कर रहे हैं, कैसे वो वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, और वहाँ के लोग, मुस्लिम लोग ही वहाँ से भागकर प्लेन पर लटक कर आने में तैयार है और अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है,
पर वहाँ पे नहीं रहना चाहते। तो कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जिनको तालिबान में तालिबान 2.0 नज़र आ रहा है, वो ऐसे लोग क्यों हैं जिनको लग रहा है तालिबान बदल गया है? मुझे लगता है वो ये लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि तालिबान को एक तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए, उनको लेजिटिमाइज़ किया जाए, और तालिबान के ज़रिए वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हो या भारत के अन्य हिस्से हों, वहाँ पर भी तालिबान मॉडल लागू किया जाए। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जश्न मनाया था जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, क्या इसका असर कश्मीर घाटी पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से उनकी मंशा यही है कि तालिबान के ज़रिए और तालिबान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए फिर से कश्मीर में आतंक का खेल जो है उसको रचा जाए। पर आप एक बात समझिए कि आज जो 370 हटाया गया है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना दूरदर्शी एक फैसला था, क्योंकि आज अगर वो नहीं होता, अगर वो नहीं हटाया जाता, तो हो सकता है कि आज तालिबान के समर्थन करने वाले, जैसे महबूबा मुफ्ती का बयान भी आया है, ये उमर अब्दुल्ला और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके भी सुर जो है, और MIM और ऐसी पार्टियों के भी सुर जो है वो तालिबान से मिलते जुलते नज़र आते हैं, वो बोलते हैं बातचीत करो। तो आज ऐसी पार्टियां वहां पर अगर राज कर रही होती तो कश्मीर में किस तरीके से दरवाजे खोल दिए जाते तालिबान के लिए, आज वो हमें समझ में आ रहा है कि 370 हटाने का कितना बड़ा एक कदम था। सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हुए, लश्कर ए तैयबा हुए, तालिबान हुए, इसकी जड़ पाकिस्तान को मानी जाती है, लेकिन क्या ये समझना ज़रूरी है पाकिस्तान को कि जिस सांप को वो दूध पिला रहा है कल वो उसी को काट सकता है? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान का जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो 3 A पर है, अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद। अमेरिका तो साथ रहा नहीं, अल्लाह भी उन्होंने भी छोड़ दिया है। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से बेहतर हालत कहीं पर भी हो सकती है, पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में नहीं रहना है लोगों को। और आतंकवाद, ये तीसरा ए जो है, यही जो है पाकिस्तान, इसी के बलबूते पर अब टिका हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है तालिबान को बढ़ा रहा है, तालिबान को और पनपने दे रहा है और तालिबान को समर्थन दे रहा है। पर जिस सांप को वो दूध पिला रहा है वो सांप उन्हीं को डसेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने वहाँ के बच्चों पर भी हमला किया था, और इसके अलावा भी और हमले पाकिस्तान में होंगे तो वो इन्हीं के द्वारा होंगे। सर, 1996 की बात करें तब भारत ने 3 आतंकवादी जो है वो छोड़े थे, उसमें 3 आतंकवादी, उस वक्त भारत कमज़ोर भी था, उस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा भी किया हुआ था, और जो भारत है तालिबान की गवर्नेंस को मानने को तैयार नहीं था। 1996 या 2000 की बात है, आज का भारत की बात क्या किया जाए? आज भारत डरेगा नहीं बिल्कुल भी? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो भारत के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और जो हिंदू और सिख समुदाय के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको हम वापस ले आए, और हमारा रिश्ता अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ है, और अफ़गानिस्तान के लोग भी मुझे नहीं लगता तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ तक तालिबान की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारत ने कभी भी, और ख़ासकर मोदी राज में, इस्लामिक कट्टरपंथी सामने झुकने का काम किया है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि 26/11 हो गया और हम देखते रहे, ये वो सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया, और वक्त आने पर जहाँ जहाँ स्ट्राइक करना होगा वहाँ वहाँ स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि सर, सवाल भी खड़े होते हैं जो अपने आप को हिंदू मुस्लिम बताते हैं, जैसे मुनव्वर आना, बड़े शायर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तालिबान से ज़्यादा क्रूरता जो है वो हिंदुस्तान में है। ये वो शायर नहीं, कायर है और लायर है। अगर उनको लगता है कि भारत में ज़्यादा क्रूरता है तो फिर CA के समय पर नाच क्यों रहे थे कि अफगानिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को यहाँ बुला लो? उस समय तो कह रहे थे कि इसमें मुसलमान का प्रावधान नहीं, मुसलमान को बुला लो। तो क्रूरता अगर यहाँ पे ज़्यादा और तालिबान इतना अच्छा है तो फिर तो उनको ये वकालत करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के मुसलमान वहीं रहे। तो इनकी मंडली एक तरफ तो डिमांड करती है कि भारत बुला लो, दूसरी तरफ ये कहती है कि भारत में ज़्यादा क्रूरता है। और मुनव्वर राना का अगर दिल यहाँ नहीं लग रहा है तो काबुल कई सारी फ्लाइट जा रही है हमारे भारतीय लोगों को ले जाने में, तो वहाँ पर काफ़ी सीट खाली है जाते समय, तो उसमें से एक सीट ले ले वो। सर, नुमानी साहब की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, ये लोग भी लगातार समर्थन करें तालिबान का, मतलब क्या ये हिंदुस्तान में ही रहते हैं और ये कह रहे हैं तालिबान का समर्थन करते हैं वो? देखिए, ये बात आपको समझनी होगी कि तालिबान घरेलू तालिबान है, दोनों के मकसद एक ही है और वो है इस्लामिक कट्टरपंथी शरिया को लागू करना। इसीलिए अगर ओवैसी की बात करें तो उन्होंने 3 तलाक कानून का के खिलाफत की, उन्होंने संविधान को अलग रखा, शरिया को ऊपर रखा, उनकी पार्टी में ही मुस्लिमीन नाम है, वो हमेशा बात करते हैं किस तरीके से शरिया लागू करने की एक तरीके से, क्योंकि वो संविधान में भरोसा ही नहीं रखती उनकी पार्टी के हमेशा ऐसे बयान आते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों ही इनकी
सोच एक ही है, वेरिएंट अलग अलग है। सर, क्या हम तालिबान को आतंकवाद से जुदा अलग नहीं देख सकते? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं तालिबान आतंकवाद से अलग है, अलग मानते हैं वो टेररिज्म से उसको। नहीं, 12-12 साल की बच्चियों का अपहरण हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, वहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ पर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पत्रकारों को मारा जा रहा है, और वहाँ पर पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, और वहाँ पर महिलाओं के चित्रों पर काली पोती जा रही है ताकि उसको देख ना सके लोग। तो अगर उनकी परिभाषा में ये आतंकवाद नहीं है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी परिभाषा में ये क्या है, ये सेकुलरिज्म है? हो सकता है उनको तालिबान सेकुलर नज़र आता हो। योगी आदित्यनाथ ने भी देवबंद में ATS सेंटर बनाया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ जो है अफगानिस्तान पर अटैक हुआ तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, इसको लेकर आप? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही निर्णायक कदम है, और मुझे लगता है कि अब केवल देवबंद में नहीं 10 ऐसे सेंटर बन रहे हैं, पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका एजेंडा सामने नज़र आ रहा है कि वो आतंकवाद के साथ खड़े हैं, ना कि उन ताकतों के साथ जो आतंकवाद का सामना करना चाहती है। और ये समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था कि जब अलकायदा के आतंकवादी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा मैं UPATS पर भरोसा नहीं। तो राजनीति पर राष्ट्र नीति वोट बैंक की नहीं होनी चाहिए, और जो ये सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी से याद आया कि उन्होंने भी तालिबान का समर्थन किया, वहाँ के कई नेताओं ने तालिबान का समर्थन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि वो अखिलेश यादव के मन की बात कर रहे होंगे, चाहे वो बर्क हो चाहे वो दूसरे लोग हो। अगर ऐसा नहीं है तो अखिलेश यादव उनको हटा दे, पर वो नहीं हटाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते तालिबान को भी गले लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और वही कर रहे हैं। उनमें उनको स्वतंत्रता सेनानी दिख रहा है, उसमें उनको स्वागत करने लायक लोग दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का ही मकसद तुष्टिकरण और शरिया वाली राजनीति करना है। सर, बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आज़ादी मिल गई है अफगानिस्तान को, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको वहाँ पर जाकर इस्तकबाल पर्सनली करना चाहिए। भारत में बैठकर केवल बयान देने से क्या होगा, पहली फ्लाइट पकड़कर काबुल जाकर उनको स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने आज़ादी दिला दी है। पर यह दिखाता है कि किस तरीके से ये आज़ादी में जो लोग, हमारे भारत के लोग कुर्बान हुए और जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उनकी भी तौहीन करने से नहीं चूकते, क्योंकि इनको तालिबान को गुड तालिबान बताना है। सर, एक आखिरी सवाल, इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं तालिबान, शेख मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन, इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस वायरस का एक ही टीका है, जब तक तालिबानी सोच रहेगी तब तक तालिबान अलग अलग जगहों पर दिखता रहेगा। तो तालिबानी सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, और तालिबानी सोच को ख़त्म करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति पर हमें सबसे बड़ा प्रहार करना पड़ेगा। पर जब तक ये तुष्टिकरण की राजनीति बंद नहीं होगी तब तक तालिबानी सोच पनपती रहेगी, और तालिबान बिना बंदूक के या बंदूक के साथ आपको दिखाई देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शहजाद पुनेवाला जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की तालिबान के मुद्दे पर। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ।